हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको डिज़ाइन वाली बाजू की कटिंग बताएंगे। ये हमारे पास डिज़ाइन है और ये हमारा कपड़ा है। ये बाजू कटा हुआ है, इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। यहाँ से हम 2 इंच लेंगे और यहाँ से हमारा 3 इंच रहेगा। इसको इस तरीके से हम राउंड करेंगे। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। इस तरीके से, और ये जो पार्ट है हमारा, इसको हम इस तरीके से शेप दे देंगे, ऐसे हल्का सा। ये शेप दे देंगे, ये इस तरीके से आएगा। इसको हम पहले क्या करेंगे, पेपर पे इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से थोड़ा सा हमको बड़ा बनाना है क्योंकि डिजाइन रहेगी इस पे, तो इस तरीके से हम इसको थोड़ा थोड़ा, इतना इधर से और इतना इधर से मार्जिन देते हुए बढ़ा देंगे। फिर इसकी हम कटिंग कर देंगे। इसको हमें इस तरीके से पेपर की शेप देना है। ये हमारा डिजाइन का जो कपड़ा है, ये बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको पेपर पे, ये पेपर का जो डिजाइन है, इसको हम ऐसे कपड़े पे, ये डबल कपड़ा है हमारा क्योंकि बाजू 2 है, तो हम इसको इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से निशान लगाएंगे और इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारी कटिंग हो गई है इस तरीके से, ये ऐसे आएगा। अभी हमें इसमें डिजाइन बनाना है। अभी हम आपको स्टिच करके बताते हैं कि किस तरीके से इसमें डिजाइन बनेगी। ये हमारी बाजू है, इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे। ये 1.5 इंच का हमारा पाइपिंग है, इसको इस तरीके से डबल करेंगे और इस कपड़े पे इस तरीके से पाइपिंग लगाएंगे। जब भी हम पाइपिंग लगाएंगे तो पाइपिंग का ये जो पार्ट है, पाइपिंग का ऊपर वाला, इसको खींचेंगे और नीचे वाला कपड़ा सीधा रहेगा हमारा। इस तरीके से हल्का हल्का खींचते हुए पाइपिंग हम लगाएंगे। यहाँ पे हल्का सा सुई नीचे रखेंगे, फिर इसको इस तरीके से घुमा देंगे। ये पाइपिंग हमारी लग गई है। अब इसको हल्का हल्का सा, राउंड शेप है तो इसको कट करेंगे। और इस तरीके से ये जो बीच का पार्ट है, यहाँ पर भी हम ऐसे कट लगा देंगे। और ये जो एक्स्ट्रा कप, और इससे मशीन इस तरीके से हमको चलाना है। जब भी आप पाइपिंग लगाइए तो पाइपिंग के किनारे से ही मशीन चलेगी, पाइपिंग के ऊपर नहीं। यहाँ पर बीच में हम हल्का सा इस पाइपिंग पे कट करेंगे, ये इस तरीके से, इससे हमारा ये गोलाई वाला पोर्शन अच्छा आएगा। ये हमारी डिजाइन बीच वाली इस तरीके से रहेगी। और ये जो हम पट्टी काटे हैं, ये 1.5 इंच की पट्टी है हमारी, इसको हम इस तरीके से लगाएंगे। ये डबल कर लेंगे और ये थोड़ा सा यहाँ किनारे छोड़ देंगे, फिर इसको हमें इस तरीके से लगाना है। फिर ये दूसरी पट्टी है, इसको भी हम इसके ऊपर, इस पे भी मशीन चलाना है।
पीछे से इसको इस तरीके से कट कर देंगे। इसी तरीके से हमें सारी पट्टी लगानी है। ये बीच का पार्ट मेरा रेडी हो गया है। इसको हम इस तरीके से इसमें हमें सेट करना है या पिन की सहायता से इस तरीके से फंसा सकते हैं। अब इस पे हमें मशीन चलानी है, पिन इस तरीके से निकाल लेना है। यहाँ पर थोड़ा डबल कर देंगे, इसी तरीके से हमें ये दूसरे पे भी लगाना है। ये बाजू हमारा रेडी हो गया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए।